ओमेगा टी प्लस वन क्या है? फेज पार्टी का अवस्था को एक्सप्लेन करेगा, जिसमें अल्फा को कहेंगे, इसमें फेज में दो टर्म है, एक टाइम डिपेंडेंट है और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। इस अल्फा को कहते हैं इनिशियल फेज कांस्टेंट, पार्टिकल की इनिशियल अवस्था को एक्सप्लेन करता है। कौन? अल्फा। माने हियर नाउ अल्फा को कहते हैं हम लोग इनिशियल फेज कांस्टेंट। ये इनिशियल फेज कांस्टेंट जो है फेज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन ऑफ पार्टिकल के इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन प्रारंभिक अवस्था पर डिपेंड करता है। समझ गया? अब जो है मान लो इफ पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू जीरो पर x बराबर जीरो, मीन पोजिशन स्टार्ट का मतलब क्या है एट t इक्वल टू जीरो देन x बराबर जीरो, तब उसका फेज हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा डिपेंड करते हैं इनिशियल कंडीशन पे। क्वेश्चन दे रहा है पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, इसका मतलब t इक्वल टू जीरो पे x जीरो है। इस इक्वेशन रखो जीरो इक्वल टू a साइन ओमेगा जीरो प्लस साइन अल्फा बराबर जीरो, अल्फा बराबर जीरो होने के लिए अल्फा भी जीरो होना चाहिए। तो याद रखिए कि अगर पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजिशन से स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या होता है? इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या होता है उसका? तब इक्वेशन क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। नाउ एक्स डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन ए साइन ओमेगा टी, अल्फा जीरो हो गया। क्वेश्चन अगर मेंशन कर दे पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन देन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी लिख देगा। ठीक है, क्लियर तो लिख चुका था हैं? हाँ लिखो, वैसा लिख लिया। If particle will started motion from extreme position, extreme position, position, then तब क्या होगा? स्ट्रीम पोजिशन मतलब क्या है? पार्टिकल मीन पोजिशन ये हो गया मीन पोजिशन, स्ट्रीम यहां तक जा सकता है मीन पोजिशन दूरी ना पाएगा। और t इक्वल टू जीरो पर क्या है? x इक्वल टू एक्स प्लस मैक्सिमम यहां तक इधर भी जा सकता है, कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कॉमा जीरो, यहां से यहां तक दूरी क्या होगा? ए होगा। दिस इज द स्ट्रीम पोजिशन, दिस इज द स्ट्रीम पोजिशन, है ना? तो t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल क्या है? x इक्वल टू ए। अब मान लो किसी से यहां से स्टार्ट किया है, दूरी तो यहीं से नापेंगे, x डिस्प्लेसमेंट t टाइम में। मान लो कि x डिस्टेंस पर है, कितना टाइम है? t टाइम में, t टाइम दूरी ना अपना मीन पोजिशन से, लेकिन पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर यहां था, t टाइम यहां फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट राइट
डिस्प्लेसमेंट घेरे में मेजर करेंगे। अब क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस एट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बता दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, एक्स बराबर है ए साइंस टी का वैल्यू जीरो है, अल्फा को निकालना है, अल्फा डिपेंड करता है पार्टिकल इनिशियल कंडीशन पे, कट कैंसिल हो गया, साइन अल्फा इक्वल टू वन आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय साइन 90 होता ना वन आएगा। तो इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या आ गया, पाई बाय टू आ गया। तो याद रखिए इनिशियल फेज कांस्टेंट पाई बाय टू कब, जब पार्टिकल अपना मोशन कहां से स्टार्ट करेगा, स्ट्रीम से स्टार्ट, स्ट्रीम t इक्वल 0 के लिए, x इक्वल 2 के लिए। तब इक्वेशन क्या होगा, नाउ क्या होगा, x बराबर a sin ओमेगा t, अल्फा तो पाई बाय 2 आ गया, x एट टाइम t a cos, यह है डिस्प्लेसमेंट टाइम कांस्टेंट, समझ गए। तो इसका मतलब पार्टिकल अपना मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन लिखें a sin ओमेगा t, x को मेजर करना मीन पोजीशन हमेशा, लेकिन पार्टिकल का प्रारंभिक अवस्था क्या है, अगर मीन है तो a sin ओमेगा t, अगर t इक्वल टू 0 पर स्ट्रीम पर है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x cos ओमेगा t, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तब तो लिखेंगे x बराबर a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। इनिशियल कंडीशन के बारे में क्वेश्चन मेंशन ना हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। और इनिशियल क्वेश्चन का दे पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x बराबर a sin ओमेगा t लिख देंगे, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम स्ट्रीम पोजीशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन x बराबर a cos ओमेगा टी लिखे, कुछ नहीं कहता लिखे सीधा पार्टिकुलर शो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, कुछ नहीं कर रहा मीन कर रहा स्ट्रीम कर रहा कुछ नहीं कर रहा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जैसे क्वेश्चन अगर इसमें पूछे पार्टिकल स्टार्ट सोल सिंपल हार्मोनिक मोशन फुल स्टॉप, एक बार ऐसे लिखिए द पार्टिकल स्टार्टेड मोशन हाफ ऑफ द displacement and period, half of the displacement and period, what is the start motion, a start motion from half of the displacement and period, for displacement of पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम फॉर सिंपल हार्मोनिक ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मैंने पार्टिकल मैक्सिमम कहा जा सकता है ए तक डिस्प्लेस कर सकता है, पोजीशन से मैक्सिमम राइट ए तक जा सकता है, मैक्सिमम लेफ्ट ए तक जा सकता है, ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चलिए कहता है पार्टिकल A started motion from half of the displacement amplitude.
Point displacement of particle in function of time for SHL. Particle अपना motion कहाँ से start करता है? Half of the amplitude है ना? T equal to zero पर half of the amplitude mean position है. कौन सा position? Mean position. Mean position. और A आपका हो गया P1 point amplitude A zero. इधर भी जाएगा amplitude point. माइनस ए कॉमा पार्टिकल स्टार्ट मोशन की हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू पार्टिकल यहां पर है एक्स बराबर प्लस ए बाय टू पार्टिकल यहां भी हो सकता है क्वेश्चन को कुछ नहीं कह रहा कि एक्स इक्वल टू प्लस ए बाय टू एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय टू कुछ नहीं कह रहा तो हम t equal to 0 के लिए x equal to plus a by 2 भी ले सकते हैं या x equal to minus a by 2 भी ले सकते हैं तो mean position के right से भी चल सकता है particle mean position के left से भी चल सकता है particle चल सकता है ना x equal to a sine omega t plus alpha linear equation अब हमको alpha निकालना पड़ेगा कोई question में condition दे दिया हाँ mean से start करता तो अल्फा जीरो लिख देते हैं a sin omega t स्ट्रीम से स्टार्ट करता तो अल्फा पाई बाय 2 लिख देते a cos omega t लेकिन ये तो कह रहा पार्टिकल स्टार्ट मोशन हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा देन x इक्वल टू एट t इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0 t इक्वल टू देन x इक्वल टू प्लस माइनस अब ये हो गया प्लस माइनस ए बाय टू ए साइन ओमेगा जीरो प्लस कट गया प्लस माइनस वन बाय टू साइन अल्फा हो जाएगा अब जो अल्फा का वैल्यू क्या क्या पसंद है अगर साइन अल्फा हो अगर हम 1 बाय 2 लेते हैं प्लस 1 बाय 2 लेते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है तो अल्फा का वैल्यू दो पॉसिबल है कोई साइन कहां कहां प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक हो गया पाई बाय 6 और दूसरा हो गया पाई माइनस पाई बाय 6 होगा ना पाई से पाई माइनस पाई बाय सेकंड क्वाड्रेंट इसका मतलब अल्फा क्या क्या पॉसिबल है पाई बाय 6 और 5 pi by 6 और अगर sin alpha अगर हम minus 1 by 2 लेते हैं तो sin कहां कहां पॉसिबल है negative third fourth तो alpha का दो वैल्यू pi plus 5 by 6 third में चले गए और क्या पॉसिबल है 2 pi minus 5 by 6 फिर कहां चले गए fourth में चले गए तो क्या हो गया अल्फा वैल्यू 7 पाई बाय 6 और क्या हो गया 11 पाई बाय 6 इसका मतलब है कि क्या इक्वेशन बन सकता है चार इक्वेशन तो नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन पहला इक्वेशन बनेगा a sin मैं x डिस्प्लेसमेंट t टाइम में या x में डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 दूसरा इक्वेशन बनेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6 तीसरा इक्वेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट ए सब डिस्प्लेसमेंट मेजर व्हाट मीन पोजीशन से एक्स का मेजरमेंट मीन पोजीशन से टी टाइम में ए साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाय 6 और चौथा इक्वेशन एट टाइम थी ए साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाय 6 माने चार वो इक्वेशन हम बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम समझ गए हां चलिए
रिकॉर्डिंग पे जाना है, वो बुडो प्रोडक्टर हूँ ना, हाँ वो लगाओ किस फॉर्म टांग उसके साथ वही ऊपर, हाँ और भी ठीक हल्ला गुल्ला सा बिल्कुल सोनो धर ले ना, हाँ हाँ ज़्यादा क्लियर रखते हैं किस किस अवस्था में पार्टिकल रहेगा, जब पाई बाय सिक्स रहेगा, ओमेगा टू प्लस पाई बाय सिक्स का मतलब क्या समझो, पार्टिकल में कोई सा अपना मोशन स्टार्ट, स्ट्रीम क्वेश्चन स्टार्ट किया, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया, जिसमें पार्टिकल मान लो पी पॉइंट पर है थीटा में, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वन है, तो पार्टिकल यहां से इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ मैंने स्ट्रीम की तरफ जाएगा, और हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से अपना मोशन स्टार्ट किया ना, हाँ हाँ, अगर इधर की तरफ जा रहा है थीटा में एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स वन बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, और इधर की तरफ आ रहा है, किधर की तरफ, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये हो गया मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया, ए बाय टू टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इस पोजीशन से पार्टिकल इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से पार्टिकल कहाँ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जब इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, इधर राइट डायरेक्शन चलना स्टार्ट करेगा, इक्वेशन लिखेंगे राइट डायरेक्शन चलना स्टार्ट करेगा, इक्वेशन लिखेंगे एक्स वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, इधर चलना स्टार्ट करेगा, इक्वेशन लिखेंगे एक्स टू बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी वन पॉइंट, मान लो पी टू पॉइंट, यह हो जाएगा ए बाई टू, कॉर्डिनेट लिखेंगे माइनस ए बाई टू कॉमा जीरो, अगर अब इस पॉइंट के इधर चलना स्टार्ट करेगा, यहां से इधर x3 बराबर a sin ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 6, और इधर चलना स्टार्ट करेगा तो लिखेंगे x4 बराबर a sin ओमेगा t प्लस 11 पाई बाय 6, सही बात आ गया, हां हां, मीन पोजीशन के हाफ से प्लस ए बाई टू से अगर इधर चलना स्टार्ट करेगा, प्लस इधर चलना स्टार्ट करेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय सिक्स, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से इधर चलना स्टार्ट करेगा, वे मेजरमेंट डिस्टेंस का मेजरमेंट मीन पोजीशन से होगा, एक्स ये एक्सपोर्ट का मेजरमेंट मीन पोजीशन से होगा, इधर चलना स्टार्ट करेगा, अब कोई पूछ दे कि दो पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है, दो पार्टिकल सेम मास का दो पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों पार्टिकल हाफ ऑफ द डिस
हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से मोशन स्टार्ट करता है एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड माने एक्स इक्वल टू प्लस एक पार्ट के इधर चलना स्टार्ट करता है, एक पार्ट के इधर चलना स्टार्ट करता है, तो इधर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? दोनों के लिए मीन पोजीशन कॉमन है, मीन एक पार्ट के इधर चलना स्टार्ट किया हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर से, एक पार्ट के इधर चलना स्टार्ट किया हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर से, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन क्या लिखेंगे? जब इधर चलना स्टार्ट करेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, इधर चलना स्टार्ट करेगा क्या लिखेंगे? एक्स बराबर प्लस ए बाय टू है ना, अब इधर चलना स्टार्ट करेगा तो एक्स टू बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई पाई बाय सिक्स, तो इसका फेज यहां है, इसका फेज यहां है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू इन सिंपल हार्मोनिक डेल्टा वन और डेल्टा फाइव इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय सिक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव पाई बाय सिक्स कट जाएगा। अब डेल्टा फाइव डेल्टा क्या हो जाएगा? फाइव पाई बाय सिक्स माइनस फोर पाई बाय बराबर टू पाई बाय, यही हो जाएगा फेज डिफरेंस। तब जब दो पार्ट के सेम मास वाला हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से चलना स्टार्ट किया, एक राइट और दूसरा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, तो कैसे निकल जाएगा? टू पाई बाय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन ई लिख दिया, इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स बराबर ए साइन होगा, अंदर पे का ग्राफ क्या होगा? टी इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो मीन पोजिशन पे, हाँ ऐसा ग्राफ। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? प्लस वन, प्लस वन, हाँ तो साइन मैक्सिमम प्लस एक तक जाएगा, माइनस वन देख रहा है यहाँ को ग्राफ रिपीट कर गया, इसको एक ऑसिलेशन फिर ये क्या हो गया दूसरा ऑसिलेशन, तो इस तरह से रिपीट करते रहे, तो इस तरह से फिर आगे बढ़ेगा तो तीसरा ऑसिलेशन हो जाएगा, थर्ड ऑसिलेशन यहाँ पर, इसका मतलब वन ऑसिलेशन दो ऑसिलेशन तीन ऑसिलेशन, हमने पार्ट के यहाँ तीन ऑसिलेशन कराए से ऐसे ऐसे तीन ऑसिलेशन बचेगा, ये हो गया ग्राफ। अगर स्ट्रीम से स्टार्ट करें तो ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से, और पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम इफ पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन तब कॉल करते हैं क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में खाली कहते हैं खाली कहते हैं एक देखो उसमें बैठी बोलो, और स्ट्रीम से एक और सुनेगा टी बी से ऐसा सुनेगा टी रटो, जितना टाइम नहीं लगना चाहिए
समझा? हट से अगर देखो अब टी कोड जीरो के यहां से स्टार्ट होगा, टी कोड जीरो रखोगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा। हम देखते हैं द टी टाइम इधर एक्स प्लस ए, यहां कहां जाए कॉस का मान जीरो में माइनस वन होता है, ये एक ऑक्सीलेशन का लगा यहां जहां से वहीं पहुंच गया, फिर एक ऑक्सीलेशन हरा यहां तक जाएगा, फिर उस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, फिर ऑक्सीलेशन रिपीट कर रहे नहीं ग्राफ रिपीट कर रहा था, इसलिए ये मोशन क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो लिखो टाइम पीरियड द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ गया? एक ऑसिलेशन में मिनिमम जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड है क्या? जैसे पार्टिकल यहां चलना स्टार्ट किया मान लो मिड पोजीशन पर, एक टाइम पीरियड कहेंगे किसको? स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट किया, स्ट्रीम पोजीशन यहां गया, यहां से आकर के कितना ए, फिर जाएगा तो क्या होगा? लेफ्ट जाएगा, जितना राइट जाएगा मीन उतना ही लेफ्ट जाएगा, तो राइट रखना है। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ए कॉमा जीरो, इधर क्या लिखेंगे? माइनस ए कॉमा जीरो, दूरी तो ए रहेगा, दूरी क्या रहेगा? जितना राइट उतना ही है ना। देखो यहां चलना स्टार्ट किया तो यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, यह कहलाएगा हाफ ऑसिलेशन। क्या कहलाएगा? हाफ ऑसिलेशन, क्योंकि पोजीशन तो सेम हुआ लेकिन अवस्था सेम नहीं हुआ। ये क्वेश्चन करते हैं काम कब कहेंगे एक ऑसिलेशन, पार्टिकल जहां चला वहीं आ जाए और पोजीशन सेम के साथ साथ अवस्था भी सेम होना चाहिए तब कहलाएगा एक ऑसिलेशन। जैसे मान लो इस प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म का ओरिएंट हो गया स्ट्रीम पोजीशन, इधर हो गया स्ट्रीम पोजीशन, हमें यहां चलना शुरू किया यहां से यहां, फिर यहां से यहां आया, मेरा क्या है? पोजीशन सेम है लेकिन अवस्था सेम नहीं रहा। हम इधर चलना स्टार्ट किए थे, मेरा अपने से इधर है, अब इधर जाएंगे और फिर यहां आ गए, अब मेरा क्या हुआ? पोजीशन भी सेम हो गया और अवस्था भी सेम हो गई, जैसे चले थे वैसे ही फिर यहां आए, तो ये कहलाएगा एक ऑसिलेशन। माने पोजीशन के साथ साथ अवस्था क्या होना चाहिए? हाँ, हेड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, अवस्था सेम होना चाहिए। पोजीशन सेम से मतलब सिर्फ नहीं है ऑसिलेशन में, अवस्था भी हेड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझा? जैसे यहां से चला यहां फिर यहां से एक ऑसिलेशन, जैसे पार्ट की अगर मान लो यहां बीम पोजीशन है यहां चलना स्टार्ट कर दे, ये स्ट्रीम पोजीशन है यहां चलना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे गया ऐसे ऐसे, ये वन ऑसिलेशन नहीं है, अवस्था पोजीशन सेम हुआ अवस्था सेम नहीं हुआ, इधर जाएगा अगर स्ट्रीम तक, अब यहां पोजीशन सेम अवस्था सेम वन ऑसिलेशन, माने पोजीशन के साथ साथ स्टेट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए एक ऑसिलेशन, दैट कॉल्ड इट टाइम। पार्टिकल अपना मोशन भी पोजीशन स्टार्ट किया, सपोज करो इक्वेशन क्या लिखोगे? x बराबर a sin, अगर ये इक्वेशन लिख देते हैं समझ लो पार्टिकल अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया? मीन पोजीशन, पोजीशन से। अब जो है
here t equal to time period of particle. Particle time period क्या है? T. X at time t बराबर x at time t plus t. T time में जो position होगा वही position t plus t time में होगा. Position सेम, अवस्था भी सेम. तो a sin omega t, a sin omega t plus t. अब a sin omega t, a sin omega t plus omega t. दोनों तरफ सेम होने के क्या चाहिए? Omega t का वैल्यू, जनरल वैल्यू ओमेगा टी जनरल लो कितना 12 पाई. रेड बराबर 0 रखोगे तो ओमेगा टी 0 हो गया. एल बराबर 1 रखोगे 2 पाई प्लस दिस बराबर साइन ओमेगा टी होता है ना. हां 2 रखोगे तो 4 पाई इतना और 4 पाई प्लस दिस तो फिर तो साइन आ जाएगा ना. हां अरे 2 पाई का मतलब होगा एक चक्कर, 4 पाई का मतलब दो चक्कर प्लस दिस आएंगे. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ना फार्मूला क्या फॉर्मूला साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? सब भूला गया. रेड बराबर 0 0 1 2 3 डॉट डॉट 1 रखोगे 1 रखोगे हम 2 पाई प्लस थीटा एक चक्कर प्लस थीटा फिर 2 रखोगे तो 4 पाई प्लस थीटा तब भी साइन थीटा. तो याद रखना चाहिए एल का वैल्यू क्या है 1 2 3 लो. अब टी बराबर 12 पाई बाय ओमेगा होगा. अब टाइम का मिनिमम वैल्यू को टाइम पीरियड कहते हैं. एल बराबर 1 के लिए मिनिमम वैल्यू आएगा टी मिनिमम 2 पाई अपॉन एट एन बराबर किसके लिए 1 के लिए. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? लिख लेते हैं टी मिनिमम बराबर 2 पाई बाय ओमेगा और सिंपली टी इक्वल टू अब लिखेंगे 2 पाई बाय टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला. समझ गया? टाइम पीरियड समझ गया. हां 2 पाई बाय अब हो गया. इसमें टर्म आता है फ्री फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ बुक में एल से लिखा हुआ. ठीक है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. T सेकंड में क्या ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन किया तो एक सेकंड में 1 बाय तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1 बाय पता है ना. हाँ यूनिट क्या होगा? इक्वल टू सेकंड इन्वर्स. लेकिन 1 सेकंड इन्वर्स बराबर 1 हर्ज. साइंटिस्ट ने में हर्ज हर्ज एच आर हर्ज जिसको शॉर्ट में एच जेड से समझ गया. हर्ज जो है साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किया उन्हीं के नाम पर यूनिट रखा गया हर्ज.